हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। बेसिकली ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। इसमें जो पहला पॉइंट है कि रिसोर्सेज किसकी होती हैं कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में। रिसोर्सेज जो होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती हैं एंड कंपनीज की होती हैं, लीज कर दी जाती हैं, सबलेट कर दी जाती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। मिसाल के तौर पर सोने की नाम से सोना खुद नहीं निकाला जाता, प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। उससे एक खास रेशियो ले लिया जाता है, नेम ऑफ लीज या लीज इशू की शक्ल ज़्यादातर अडॉप्ट की जाती है। और जो कम्युनिज्म है उसमें गवर्नमेंट ओन करती है रिसोर्सेज, सारी रिसोर्सेज गवर्नमेंट की होती है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, कंपनी की होती है। मार्केट कंपटीशन में कैपिटलिज्म में बेनिफिट जो होती है कंज्यूमर, जो मार्केट कंपटीशन है उधर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि जो स्टेट ओन कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, प्राइस जो है वो डिसाइड करती है स्टेट कंपटीशन में। सोशलिज्म में नो कंपटीशन, नो वैरायटी, नो क्वालिटी पाई नहीं जाती। और जो मार्केट कंपटीशन है उसमें आपको क्वालिटी भी मिलती है, कैपिटलिज्म में क्वालिटी भी मिलती है, क्वान्टिटी को वैरायटी भी मिलती है, कंपटीशन भी मिलता है। प्राइस आज़ाद छोड़ दी जाती हैं, सप्लाई डिमांड मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कैपिटलिज्म में प्राइस। और कम्युनिज्म में स्टेट तय करती है कि रेट क्या चीज़ बिकेगी। डिफरेंट बिटवीन और जो कैपिटलिज्म है उसमें डिफरेंस होता है, अगर कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है। कम्युनिज्म में रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, इक्वल इक्वलिटी की बात की जाती है, उसमें प्रॉफिट शेयर होता है बिटवीन वर्कर्स। कैपिटलिज्म में प्रॉफिट ले जाता है मालिक, वर्कर और मैनेजर तबके को मिलता है। जो लेबर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है कैपिटलिज्म में उसको इतना नहीं मिलता। कैपिटलिज्म में एक पॉलिसी में लेबर को दिया जाता है। बाद में इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे हम, डिफरेंट बिटवीन कैपिटलिस्टिक एंड कम्युनिस्टिक इकोनॉमिक्स आइडियोलॉजी सोशल साइंस की मेरी ये सॉल्व करती हैं। बड़े वर्सेड आइडियोलॉजी में एक का बानी है कैपिटलिज्म का बानी है एडम स्मिथ। हालांकि कैपिटलिज्म तो बहुत पुरानी है, एडम स्मिथ की डिवेल्प ऑफ नेशन के बाद ये आई, इसको हवा मिली। मार्क्सी डार्क कैपिटल और मैनिफेस्टो और कम्युनिज्म, उसके बाद कम्युनिज्म आया। कम्युनिस्टों का हीरो है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स है लेबर का हीरो। कैपिटलिस्ट का बानी है एडम स्मिथ, कहते हैं जब भी कैपिटलिज्म का बानी एडम स्मिथ।